हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता आपके घर तक नहीं जाता है। और वो गाड़ी अभी तो यही थी जिसमें आपके रिश्तेदार बैठे हुए थे, कहाँ है वो? आप कुछ कहते क्यों नहीं है? आप कहिए ना, चुप क्यों है? अरे भाई, ये कौन सा रास्ता से जा रहे हैं हम, और हमारे पीछे वो गाड़ी थी, वो कहाँ गई? मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? पागल हो गई हो क्या? हाँ, और ये गन कहाँ से आई तुम्हारे पास? नीचे रखो इसे, मैं कह रहा हूँ नीचे रखो इसे। नहीं, मुझे पहले से ही शक था। इसे कहिए कि एक गाड़ी रोके, इससे कहिए कि गाड़ी रोके। गोली मत चलाना। यार सारंखी, खाने में बड़ा मजा आया। एकदम लाजवाब, और खास करके वो गुलाब जामुन रसीले, मजा आ गया यार। बहुत दिनों में ऐसे गुलाब जामुन नहीं खाए थे मैं। माय गॉड, एकदम डट के खाया बाप है। बस। तेरा घर तो आ गया ना यार, पता है मुझे, लेकिन तू घर तक क्यों आ रहा है छोड़ने को? मैं चलते जाऊंगा, जरा वॉक भी हो जाएगा, खाना भी हजम हो जाएगा। इस टाइम एक मिनट बॉस, कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है ना? सारंगी, गर्लफ्रेंड का चक्कर तो तेरा होता है, मेरा नहीं। सारे कॉन्ट्रैक्ट तेरे पास है गुरुजी। आप है महाराज। और सुन, अपने घर जाना। हाँ, और क्या, चलो फिर मिलते हैं। बाय 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 बाय, आराम से चले जाना। हाँ, डेढ़ बज चुका है रात का। वहीं पे रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ा है ना तो नतीजा खराब होगा। हमारे रास्ते में टांग मत तोड़ा, चुपचाप यहाँ से निकल के भाग। चुप, तुम जैसे लोगों के मामले में टांग अड़ाना ही मेरा काम है, समझे? हमारे लफड़े मत तोड़ तू, चुपचाप इस लड़की को हमारे हवाले कर दे, निकल यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। भागो, भाग। भाई साहब, आपके पास गन? पुलिस पे काम करते हैं क्या? मैं एसीबी प्रद्युम्न, सीआईडी से। घबराओ मत। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जैस्मिन। सर प्लीज, सर मुझे घर, मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है सर, प्लीज मुझे घर पहुंचा दीजिए सर। घबराओ मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। थैंक यू सर। जैस्मिन, पहले ये बताओ तुम अकेली इतनी रात गए क्या कर रही थी? क्या हुआ? और वो लोग कौन है जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे? पता नहीं सर, मैं तो रास्ता भटक गई थी, अचानक से ये गुंडे पीछे पड़ गए, मेरे जान के दुश्मन बन गए। जैस्मिन, वैसे तो तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, क्यों? जी सर। तुम अकेले इतनी रात गए कहाँ जा रही थी, और तुम्हारे पति कहाँ है? पति? सर वो तो शहर से बाहर है सर। बाहर गए? तो लाओ उनका फोन नंबर दो मुझे, मैं उन्हें फोन करता हूँ। सर नंबर मुझे याद नहीं है सर उनका। क्या कहा? अपने पति का फोन नंबर याद नहीं तुम्हें? ये कैसे हो सकता है? सर वो आगे से आप प्लीज दाएं तरफ ले लीजिए। यहाँ पर? हाँ सर। वहाँ रहती हो तुम, केबी कॉलोनी में? सर आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर गाड़ी रोक दीजिए, सर मैं चली जाऊंगी। जैस्मिन एक मिनट, अरे अकेले कहाँ जा रहे हो? मैं आता हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए, कहाँ रहती हो बताओ? ये सामने जो गेट है ना सर, वहाँ अंदर जाते ही सामने जो सफेद कलर का घर है सर, मैं वहीं पर रहती हूँ। अच्छा, वहाँ पर तो चलो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, आप बेकार में तकलीफ उठा रहे हैं सर। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, इतनी रात गए तुम्हें मैं अकेले नहीं छोड़ सकता। चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं सर, आप प्लीज तकलीफ मत उठाइए सर, वैसे भी अब गुंडे मेरे पीछे नहीं पड़े हैं सर, वो मेरा पीछा नहीं कर रहे, मैं चली जाऊंगी सर। ठीक है, तू जाओ।
लेकिन सुनो, जब भी कभी कुछ जरूरत पड़े मुझे फोन करना सीआईडी ब्यूरो में। जी सर। सर वैसे मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। गुड नाइट। समझ में नहीं आता है चक्कर क्या है इस लड़की का। ये जस्मीन कुछ तो छुपा रही है मुझसे। चल के देखना पड़ेगा उस सफेद घर में, तसल्ली तो करनी पड़ेगी। कौन आया होगा इतनी रात को? देखो तो कौन है। कौन है? और ये कोई वक्त है किसी के घर की घंटी बजाने का? I'm sorry, देखिए मैं एसीबी प्रद्युमन सीआईडी से। सीआईडी से? एसीबी प्रद्युमन इस वक्त हमारे घर में? देखिए घबराइए मत, मैं सिर्फ ये देखने आया था कि जस्मीन ठीक है या नहीं। कौन जस्मीन? अरे वो लड़की जिसे मैंने अभी अभी आपके कॉलोनी के गेट पर छोड़ा, यहीं पर तो आई वो। नहीं सर, यहाँ पे कोई जस्मीन नहीं रहती है। देखिए मैम, शायद इस जस्मीन की नई नई शादी हुई है। हाथ में लाल रंग की चूड़ियाँ पहनी थी, हरे रंग के कपड़े थे और हाथ में एक काली पर्स भी है उसके। हमने आपको बताया ना सर, हम किसी जस्मीन को नहीं जानते सर। सर हमारा विश्वास कीजिए, इस घर में हम दोनों अकेले ही रहते हैं, आपने कुछ गलत सुना होगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई गलत नहीं सुना है, उस लड़की ने यही एड्रेस बताया था। जस्मीन, जस्मीन आप कुछ छुपा तो नहीं रहे मेरे से? कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे आप? नहीं सर। अगर पता चला कि आप झूठ बोल रहे थे तो नतीजा अच्छा नहीं होगा, समझे? दोबारा आऊंगा। गोरेगांव ईस्ट केबी कॉलोनी, केबी कॉलोनी। हाँ, उस कॉलोनी का एक एक घर, एक एक गली छान मारो, एक भी घर नहीं बचना चाहिए। अरे वो लड़की जमीन में थोड़ी ना घुस गई है, वहीं कहीं छुप के बैठी हुई, मौका मिलता है वहां से भागेगी। ढूंढो उसे। हाँ, जैस्मिन, जैस्मिन नाम है उसका। मुझे जल्दी से जल्दी रिपोर्ट चाहिए। ओके फाइन, सर स्पेशल टीम को लगा दिया। एक एक घर? सर एक एक घर, एक एक गली, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। समझ में नहीं आता, एक छोटी सी भूल की मैंने, एक छोटी सी भूल। उस लड़की की बातों पर भरोसा किया मैं, झूठ पे झूठ बोले जा रही थी और मैं भरोसा किए जा रहा था, और फिर गायब भी हो गई वो। तो उसे अच्छी तरह से मालूम था कि बचाने वाला सीआईडी ऑफिसर है। हाँ, फिर भी झूठ बोल के निकल गई वो। हाँ, पर निकल गई तो गई कहाँ? सर ये भी तो हो सकता है कि उसका नाम जैस्मिन हो ही ना, कुछ और हो सकता है। लेकिन उस कॉलोनी की गली गली छान मारी मैंने, ये सोचकर कि कहीं पर भी छुप कर बैठी हो, कभी तो बाहर निकलेगी। सर वो लड़की मरते मरते बची है और सीआईडी ऑफिसर से भी बचना चाहती है, इसका मतलब है वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसी है सर। हाँ, लेकिन अगर मुसीबत में फंसी है तो मुझे बताती, सीआईडी वालों को बताती। हाँ सर, और सबसे अजीब बात तो ये है कि उसे अपने पति का नंबर तक याद नहीं था। सर ये भी हो सकता है किसी गैर कानूनी काम में उन्हीं गुंडों के साथ मिली हुई हो, किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हुआ होगा, गुंडे पड़ गए इसके पीछे। मगर सर उसने आपको केबी कॉलोनी में छोड़ने के लिए क्यों कहा होगा? कोई तो वजह होगी ना? कोई तो वजह जरूर है दया, उस लड़की का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है उस केबी कॉलोनी के साथ। सर, सर स्केच आर्टिस्ट। आप स्केच बनवाएंगे? हाँ क्यों, मैं नहीं बनवा सकता, इस बार मैं विटनेस हूँ। चलो लग जाओ काम। देखिए कल रात मैंने एक जस्मीन नाम की लड़की को आपकी कॉलोनी के गेट पर छोड़ा था। वो लड़की मेरी आंखों के सामने इस कॉलोनी के अंदर आई और उसने मुझे ये भी बताया था कि वो मिस्टर एंड मिसेस कुमार जिस घर में रहते हैं उसी घर में रहती है। लेकिन अब मिस्टर एंड मिसेस कुमार का कहना है कि वो किसी जस्मीन नाम की लड़की को जानते ही नहीं। आप लोगों में से कोई तो जानता होगा जैस्मिन को? हमने तो जैस्मिन का कभी नाम भी नहीं सुना सर। आप लोगों में से किसी ने तो सुना होगा? जी नहीं सर। ये कैसे हो सकता है? वो लड़की मेरी आंखों के सामने कॉलोनी के अंदर आई थी। देखिए सर, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कल रात हमारे घर पे जैस्मिन नाम की कोई लड़की नहीं आई थी। सर आप हमारी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं सर? तो फिर ये लड़की गई तो गई कहाँ? ये देखिए, ये उस लड़की का स्केच है। क्या आप में से किसी ने भी इस लड़की को देखा? गौर से देखिए और याद करके बताइए, कहीं पर तो देखा होगा आप में से किसी ने इस लड़की को, या तो कॉलोनी के अंदर या फिर
कॉलोनी के बाहर कहीं आसपास? तुम? जब तुमने इस लड़की को देखा? हाँ सर, देखा है सर। ये मेरे घर के बगल वाले बंगले में ही रहती है। बगल वाले घर में? हाँ सर, और इसको ज्यादा बाहर निकलने भी नहीं देते। बाहर निकलने नहीं देते, क्यों? पता नहीं सर। किसके साथ रहती है ये जैस्मिन? सर अपनी सास के साथ रहती है ये। कहाँ पर रहती है वो? हाँ, कौन सा बंगला? वो नीला वाला बंगला। थैंक यू। है ना बड़ी अजीब बात, इतने सारे लोग इस कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन इस जैस्मिन को पहचानने वाला सिर्फ एक ही आदमी है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जी, जैस्मिन आपकी किरायेदार है ना? वो अपनी सास के साथ यहाँ रहती है। जी, जैस्मिन और उसकी सास कल्पना दोनों यहीं पर किराए पे रहती थी। रहती थी मतलब? अब नहीं रहती? जी, जैस्मिन कल रात से घर ही नहीं लौटी। यहाँ आई नहीं? जी नहीं। और उनकी सास कल्पना जी? कल्पना तो सुबह ही 6 बजे चली गई थी, और जब मैंने उससे पूछा ये बैग लेके कहाँ जा रही हो, तो कहने लगी कुछ काम है, 3 दिन में वापिस आ जाऊंगी। अच्छा, मतलब ये कल्पना भी रफू चक्कर हो गई है। वैसे जैस्मिन ने किया क्या है? वही तो हम पता लगा रहे हैं कि जैस्मिन के साथ कुछ हुआ है या फिर इस जैस्मिन ने कुछ किया है क्या। वैसे जैस्मिन से आपकी पहचान कैसी हुई? जी, जैस्मिन और कल्पना को एक एस्टेट एजेंट लेकर आया था और उसी ने एग्रीमेंट बनवाया था। अच्छा, इस एस्टेट एजेंट के डिटेल चाहिए हमें। जी। वैसे ये दोनों सास बहू आपके घर में कौन से कमरे में रहती थी? उस अंदर वाले कमरे में। अच्छा, विनीत। यस सर। जाके कमरा चेक करो अच्छी तरह से। यस सर। वो अग्रीमेंट की कॉपी भी होगी ना आपके पास, उस पर इन दोनों के फोटोग्राफ्स भी होंगे। जी। जरा दिखाइए हमें। अभी लाती हूँ। ये लीजिए। और कुछ बता सकती हैं इन दोनों के बारे में आप? जी, कल्पना बहुत ही विचित्र थी। वो अपनी बहू जैस्मिन को ना तो कहीं बाहर जाने देती थी और ना ही किसी से बात करने देती थी, और उसका पति भी एक दो बार ही आया था उसे मिलने। जी, उसके पति का नाम? अमर, शायद यही बताया था। अच्छा, इस जैस्मिन के पति अमर का हुलिया बता सकती हैं आप? जी सर, इस जैस्मिन के पति अमर का स्केच बनवा लेते हैं। सर। हाँ। उन दोनों का कुछ भी सामान अंदर नहीं। अच्छा, कुछ भी सामान नहीं छोड़ा। मुझे तो लगता है जैस्मिन को यहाँ पर बंदी बना के रखा गया था। सर, आपने कहा था ना कि जैस्मिन ने नई नवेली दुल्हन की तरह चूड़ियां पहन रखी थी। तो सर, उसने हाल ही में किसी मंदिर या मैरिज हॉल में शादी की हो? तो बस, शहर में जितने भी मंदिर है, जितने भी बैंक्वेट हॉल्स, जितने भी मैरिज हॉल्स है, सब में जाकर के पूछताछ करो, देखो इस जैस्मिन के बारे में क्या पता चलता है। हेलो सर, आप भी हॉल बुक कराने आए? जी नहीं, 2 हफ्ते पहले आपके यहाँ एक शादी हुई थी, हम उसके बारे में पूछताछ करने हैं। 2 हफ्ते पहले की शादी के बारे में पूछताछ? जी। सीआईडी? जी हाँ। इस स्केच को ध्यान से देखिए और बताइए, क्या ये वही लड़की है जिसकी शादी 2 हफ्ते पहले हुई? जी हाँ सर, इसी की शादी हुई थी, शायद जैस्मिन नाम है इसका। हाँ, जैस्मिन। किस लड़के के साथ हुई थी इसकी शादी? उस लड़के का नाम एस से शुरू होता है, मैं अभी चेक कर बताता हूँ। हाँ, सुहान, सुहान वेट्स जैस्मिन। सुहान वेट्स जैस्मिन। अच्छा, इसकी शादी के बारे में कुछ और बता सकते हैं आप? वैसे तो सर, यहाँ जो भी शादी होती है हम उन सब का एक फोटो रख लेते हैं अपने रिकॉर्ड्स के लिए। तब तो इस शादी की फोटो भी होगी आपके पास? हाँ, होनी तो चाहिए सर। दिखाइए। Yes. 29th.
ये है जैस्मिन का पति सुहान। अगर ये आदमी जैस्मिन का पति सुहान है तो फिर इस स्केच में कौन है जिसके बारे में जैस्मिन के पड़ोसियों ने बताया था कि उन्होंने इसे जैस्मिन के घर आते जाते देखा। ये तो मैं भी सोच रहा हूं। एक मिनट, इस फोटो में वो वाली सास तो है ही नहीं। हाँ। कितनी अजीब बात है ना सचिन। अजीब सी बात तो है। एक मिनट, ये दूसरा स्केच देखिए, इसका नाम कल्पना है। इसे आपने शादी में देखा था क्या? नहीं सर, ये तो शायद नहीं आई थी। अच्छा, इस शादी में कोई अजीब बात हुई थी या फिर कोई अजीब घटना घटी थी? हाँ सर, शादी के बाद एक अजीब घटना तो घटी थी। क्या? शादी के बाद भी कुछ बाराती यहीं पे चिपके रह गए। यहीं चिपके रहे मतलब? मतलब उन्होंने कमरा खाली करने से मना कर दिया। अच्छा, क्यों? वो कहने लगे वो किसी का इंतजार कर रहे हैं, जब वो आएगा तब वो जाएंगे। फिर क्या? वो आया और उन्हें समझा बुझा कर ले गया। शायद वो वही आदमी होगा जिसके लिए वो बाराती इंतजार कर रहे थे। अच्छा, ये आदमी दिखने में कैसा था? उसने टोपी पहनी थी और काला चश्मा था। कुछ देर यहाँ खड़ा रहा और फिर किसी को उसने यहाँ से फोन किया। मतलब इस लैंडलाइन से? जी सर। अच्छा, आपने सुना कि फोन पे वो क्या बात कर रहा था? नहीं सर। अच्छा, इस आदमी ने किस वक्त फोन किया था? यही कोई 1 बज रहे थे। 1 बजे? तब तो फोन रिकॉर्ड से जरूर पता चल जाएगा कि उसने यहाँ से किसको फोन किया था। अभिजीत, ये लड़की जस्मीन, इसका बहुत बड़ा रैकेट है। ये देखो, अब इसकी शादी की फोटो ही देखो। इसमें ये जो सास बनकर खड़ी है वो उसकी सास ही नहीं है, और फिर इसका पति बनकर ये जो खड़ा है सुहान, अगर ये उसका असली पति है तो फिर वो पति कौन है जो उसे छुप के मिलने जाता था घर पर? ये शादी भी नकली लग रही है सर। रजिस्ट्रार के ऑफिस में ऐसी किसी शादी का कोई एप्लीकेशन नहीं। सर, अगर ये कल्पना नाम की औरत जैस्मिन की सास नहीं है तो फिर ये जैस्मिन बहू बनकर उसके साथ केबी कॉलोनी में रह क्यों रही थी? क्या दिखाना चाहते थे ये लोगों को? हाँ, केबी कॉलोनी। एक बार ये स्ट्रीट एजेंट आ जाए ना अभी तो पता चलेगा कैसा पुलिस वेरिफिकेशन किया था उसने इन लोगों का। सर, हाँ। सर, एक बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग है सर। हमारे साथ धोखा हुआ है। मतलब फोन नंबर भी नकली है? हाँ सर, जैस्मिन के पति ने जो फोन नंबर लिखवाया था वो भी नकली, साथ साथ एड्रेस भी नकली है सर। सास भी नकली, बहू भी नकली, पति भी नकली, फोन नंबर नकली और घर का पता भी नकली। तो फिर ये सारे चक्कर में असली है क्या? असली है सर। मिस्टर बिरेन, एस्टेट एजेंट। तो तुम हो वो एस्टेट एजेंट जिसे कल्पना और जस्मिन को केबी कॉलोनी वाला घर दिलवाया था? देखिए सर, नकली पेपर्स बनवाए थे, पुलिस वेरिफिकेशन में नकली था। मुझे नहीं मालूम था सर कि ये मामला सीआईडी तक पहुंच जाएगा। जैस्मिन कहाँ है? कौन जैस्मिन सर? मैंने पूछा जैस्मिन कहाँ है? नहीं मालूम सर। व्हाट? कल्पना कहाँ है? कौन कल्पना सर? बैठ इधर, बैठ। ये कल्पना है सर। ये कल्पना नहीं, प्रिया है। ये प्रिया है? कल्पना नहीं। हाँ सर, ये तो पहले से ही प्रिया थी। मतलब तुम पहले से ही प्रिया को जानते थे? ये बार बार घर बदलती है और किसी भी घर में ज्यादा समय तक नहीं रहती। और इनको घर कौन दिलवाता था? मैं सर। नकली पेपर से? उन्होंने मुझे इतना पैसा दिया और कहा कि अपना मुंह बंद रखना। और तुमने अपना मुंह बंद रखा? ये जैस्मिन का क्या चक्कर है? सर, मैं जैस्मिन को नहीं जानता और उस घर में प्रिया के साथ कौन रहता ये भी नहीं मालूम सर। जब उन्हें अपना घर बदलना होता था तो किराने की दुकान पे मेरे लिए चिट्ठियां छोड़ देती थी। कहाँ ये किराने की दुकान? सर वो। हेलो। हाँ बोलो, कहाँ किया था? व्हाइट लाइन से आर एजेंसी। ओके ओके, ठीक है सर। उस रात शादी के हॉल में से उस टेढ़े आदमी ने व्हाइट लाइन्स एड एजेंसी में फोन किया था सर। एक काम करो, इस किराने की दुकान में जाकर चोंच डालो और व्हाइट लाइन्स एड एजेंसी पर छापा मारो। आप प्रिया जी का कोई संदेशा है आज? नहीं, आज कोई संदेशा नहीं। टिकू, ये सीआईडी वाले प्रिया जी के लिफाफों ने तो मुझे फंसा दिया। मतलब? मतलब तुम भी फंसने वाले हो, समझे? क्या था लिफाफों में? मुझे कुछ नहीं पता, सब आप इनसे पूछिए ना, इनको मालूम होगा। नहीं सर। नहीं सर? हाँ, ये लिफाफों की हेराफेरी कब से कर रहे हो? हाँ, मुझे मत फंसाइए साहब। प्रिया जी लिफाफे छोड़ जाती थी और ये साहब ले जाते थे, बस। कभी ये नहीं सोचा कि आजकल के मोबाइल फोन्स के जमाने में कभी कोई किसी के लिए चिट्ठी छोड़ता है क्या? और फिर क्यों छोड़ता है? कभी नहीं सोचा?
साहब एक बंद लिफाफा रखने भर के लिए अगर महीने में 25,000 रुपए मिले तो तुम्हें 25,000 रुपए मिले और तुमने अपने दिमाग पे ताला लगा लिया। कभी ये नहीं सोचा कि लिफाफा खोल के देखूं उसमें है क्या? साहब अब इनसे क्यों नहीं पूछते हैं? इनको मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम साहब कुछ। इनसे तो हम काफी पूछताछ कर चुके हैं, अब आप बताइए कि प्रिया जी रहती कहाँ? मैंने उनका घर तो नहीं देखा है। हाँ उसने बताया था कि वो आगे वाली गली में कहीं रहती है। आगे वाली गली में? चलो। आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? पर यहाँ पर क्यों? प्रिया जी यहाँ रहती है तो हम प्रिया जी को ढूंढने आए। आप लोग मेरी मम्मी को ढूंढ रहे हो, पर क्यों? क्या प्रिया जी तुम्हारी माँ है? जी। तुम्हारा क्या नाम है? इलियाना। इलियाना क्या यही तुम्हारी माँ? जी मम्मी है। और ये कौन है जानते हो इसे? अरे ये आपके पास कहाँ से आया? ये तो मेरी मम्मी के मैनेजर हैं, अमर। तुम्हारी माताजी का मैनेजर? जी। सर ये सुहान अमर कब से बन गया? वही तो। अच्छा ये बाकी के दो जन कौन है? नहीं इन लोगों को मैं नहीं जानती। चलो नहीं जानती हो लेकिन ये तो जानती होगी ना कि तुम्हारी माताजी किराए के घर में रहती है और कुछ कुछ दिनों में अपना घर भी बदलती रहती है। क्या? जी हाँ, वो भी नाम बदल बदल कर। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको पता है आप जिस घर में खड़े हैं ये बंगला मेरी मम्मी का है, उन्हें किराए के घर पे रहने की क्या जरूरत है? और वो भी नाम बदल कर? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल या पॉसिबल ये तो तुम्हारी माताजी बताएगी। कहाँ है तुम्हारी माताजी? वो यूरोप गई है। यूरोप गई है? अच्छा क्यों, किस लिए? बिजनेस के सिलसिले में। कौन सा बिजनेस? टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो प्रिया जी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने लगी है। इलियाना जी आपको ये जानकर दुख होगा कि आपकी मम्मी आपसे झूठ बोल रही है। मतलब? मतलब ये कि वो यूरोप में नहीं, यहीं इंडिया में है। मम्मी इंडिया में ही है? जी हाँ, और पिछले ही हफ्ते इस एस्टेट एजेंट ने आपकी माँ को एक फ्लैट दिलवाया था केबी कॉलोनी में, और वो भी कल्पना के नाम से। कल्पना? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मम्मी महीने दो महीने में एक आध बार मुझसे मिलने आती थी। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ का फोन नंबर तो होगा तुम्हारे पास? हाँ है। तो फिर लगाओ फोन। अभी इसी वक्त? या अभी इसी वक्त, और जब तक वो फोन नहीं उठाती तुम फोन लगाती रहोगी। स्पीकर फोन भी ऑन करना। घंटी तो बज रही है मगर मम्मी फोन नहीं उठा रही। दोबारा लगा। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। स्विच्ड ऑफ? फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा है। पहले फोन नहीं उठा रही थी, अब फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा है। ये चक्कर क्या है इलियाना? मैं इसके बारे में क्या कह सकती हूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सर शायद प्रिया जी को पता चल गया है कि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। हाँ पर छुपेगी तो छुपेगी कहाँ, ढूंढ कर तो हम निकालेंगे ही। इलियाना तुम्हारी माँ एक बहुत बड़ा चक्कर चला रही है, गैर कानूनी चक्कर, और इसीलिए तुम इस घर से कहीं भी नहीं जाओगी। मतलब मेरे घर में आप मुझे बंदी बना के रखोगे? वैसा ही समझ लो, हमारा एक सीनियर ऑफिसर तुम पर कड़ी नजर रखेगा। यहाँ पे राहुल कौन है? जी मैं ही राहुल हूँ। फोन पर आपकी मुझसे ही बात हुई थी, आप सीआईडी से है ना? जी हाँ। 30 नवंबर 2012 को दोपहर के 1 से 1.5 बजे के बीच में रॉयल ग्लांस के लैंडलाइन से आपके इस व्हाइट लाइन एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कॉल आया था, और जहां तक हमें पता है वो नंबर आपके कास्टिंग एजेंट का डायरेक्ट नंबर है। जी। अच्छा कहीं वो कास्टिंग एजेंट तो नहीं जिसने उस दिन काली टोपी और चश्मा लगाया हुआ था? आपने सही कहा सर, ये रहा वो आदमी, बॉबी। अच्छा तो तुम हो? तो बिछड़ो। सर मैं तो खाली कोऑर्डिनेटर हूँ सर, शादी ब्याह में आर्टिस्ट और मॉडल सप्लाई करता हूँ सर बस। देखो बॉबी बाबू सब कुछ सही से बता दो कि बात क्या, मैं सब हॉल करूंगा ना कि तुम्हारी सारी सप्लाई बंद हो जाएगी, समझा? बस सर मैं तो खाली प्रिया जी के कहने पर आर्टिस्ट और मॉडल सप्लाई किया करता था बतौर बराती, बस सर। क्या प्रिया जी के कहने पर? जी सर प्रिया जी के कहने पर। ये चक्कर क्या है, ये नकली बरातियों को क्यों लेके जाते हो प्रिया जी के कहने पर?
इतना पूछने का हक तो मुझे था नहीं, लेकिन सर मुझे लगता है प्रिया जी शादी की आड़ में कुछ और ही कर रही हैं सर। तुम्हें कैसे पता? सर वो सर प्रिया जी कहाँ मिलेंगी? वो नहीं मालूम सर। नहीं मालूम, नहीं मालूम। अच्छा जैस्मिन की शादी में सुहान के जो माँ बाप बने थे वो कहाँ मिलेंगे? सर प्रिया का फोन इसी घर से ट्रेस हुआ। इस तरह दरवाजा तोड़कर अंदर आने का मतलब? आप लोग कौन है साहब? चुपचाप एक तरफ खड़े हो जा। साहब हम लोग तो सिर्फ नौकर आदमी हैं साहब, आप लोग चुप। कहा ना चुपचाप एक तरफ खड़े हो जा। जल्दी घर की अच्छी तरह से तलाशी ले। तलाशी? साहब साहब नहीं साहब साहब ये प्रिया कहाँ है? कहाँ है प्रिया? प्रिया जी? हाँ प्रिया जी कहाँ है बताओ, जल्दी बताओ कहाँ है? मैडम को तो घर से बाहर गए आधा घंटा हो गया साहब। आधा घंटे पहले बाहर चली गई। कहाँ गई? मैडम बताकर नहीं जाती साहब। ड्रामा बंद, जल्दी से बताओ कहाँ गई, बताओ जल्दी। साहब वाकई हमें कुछ नहीं मालूम साहब, हम लोग तो 10 बजे आते हैं और शाम को 7 बजे चले जाते हैं साहब। सर ये देखिए कमरे से क्या मिला। सर से देखिए तलवारें। क्यों? तुम्हें तीन लोग थे जो जैस्मिन को मारना चाहते थे मेरी आंखों के सामने, है ना? नहीं साहब हम तो, और ये मुझे भी मारने की कोशिश कर रहे थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं साहब। गिरफ्तार करो इन्हें। अरे साहब आप हमें क्यों फंसा रहे? साहब आप हमें इस तरह फंसा नहीं सकते साहब, हमने कुछ नहीं किया। नहीं हम कह रहे हमें इस तरह नहीं फंसा सकते आप। तुम लोग ऐसे नहीं मारो यार। अपनी अपनी गन दे दो, हमें गन नीचे करो, भागने की सोचो भी मत। चुपचाप वहीं खड़े रहो, आगे मत बढ़ो। रुक जाओ। तुम लोगों को सामने में ढाल लेके आता हूँ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तुम ठीक हो? ठीक हो तुम? तेरी इतनी हिम्मत? मिनट मिनट रुक जाओ। ए होशियारी नहीं मिनट, चल गाड़ी बैठ। ए छोड़ो उसे, होशियारी से गाड़ी बैठ, चल बैठ बैठ गाड़ी में बैठ। अरे अरे आप यहाँ कैसे आ गए? देखिए प्लीज आप निराश मत कीजिए, मैं तंग आ गया हूँ, प्लीज हमारी मदद कीजिए आप। अरे आप तो हमारे गले पड़ रहे हैं। देखिए हमें पता चला कि आप प्रिया जी को जानते हैं जो सबकी शादियाँ करवा देती हैं। प्रिया जी आप जानते हैं ना? जी हाँ। अरे तो प्लीज हमें मिलवा दीजिए, हमारा चचेरा भाई कब से कुंवारा बैठा है उसका भाग्य खुल जाएगा। लेकिन आप है कौन? CID। CID? हाँ, आप लोग दूसरों की शादियाँ करवाते रहे और हमारा ये भाई कुंवारा बैठा रहे, ये तो बड़े अन्याय की बात है। लेकिन सर हम तो बस, हम लोग तो बस नकली माँ बाप बनते हैं शादियों में, नकली माँ बाप और नकली शादी। नहीं सर शादियाँ झूठी नहीं होती है। क्या शादियाँ झूठी नहीं होती? दरअसल शादी तो असली होती है लेकिन माँ बाप नकली होते हैं। हम तो बस सिर्फ विधि के लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं सर। ये बात है, लेकिन नकली माँ बाप बन के शादियाँ करवाना जुर्म है, मालूम है ना? हाँ सर मालूम है। और तुम लोग जैस्मिन के घर भी गए थे सुहान के नकली माँ बाप बन के? जी गए थे, वो लड़की के माँ बाप को मिलने के लिए गए थे सर। जरा फोटो दिखाना। इस फोटो में यही दोनों जैस्मिन के असली माँ बाप है ना? हाँ सर यही असली माँ बाप है। कहाँ रहते ये लोग? वसई में। और वो दूल्हा कहाँ है? तुम्हारा नकली बेटा सुहान। सर यकीन मानिए हमें कुछ नहीं मालूम उसके बारे में। कुछ नहीं मालूम? हर बात में मालूम नहीं, ये तो मालूम होगा कि वसई में जैस्मिन के माँ बाप कहाँ रहते हैं। इलियाना मैम आधे घंटे में अपने बैग्स पैक कीजिए।
आपको लंदन की फ्लाइट पकड़नी है। और हाँ, प्रिया मैम के ऑर्डर से आप उनसे कोई सवाल नहीं पूछेंगी। अपने बैग पैक कीजिए। सुना नहीं आपने, अपने बैग्स पैक कीजिए। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों, क्या हुआ? ये सब छोड़ो और ये बताओ कि जैस्मिन कहाँ है? जैस्मिन? कौन जैस्मिन? जैस्मिन को नहीं जानते? बताते हो या फिर गोली करूं सर के हर बार? गुलाबा में छोड़ा था। गुलाबा में कहाँ पे? बीरा चौक में। बीरा चौक में? हम्म। सर, अमर हमारे हाथ लग गया है सर। उसने अभी अभी बताया कि उसने जैस्मिन को गुलाबा के बीरा चौक पे छोड़ा है। अरे तुम कुछ बोल कर नहीं रहो बेटा, जैस्मिन ठीक तो है ना? कहाँ है वो? तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो, कुछ बोलो तो सही। कहाँ लेके जा रहे हो जैस्मिन के माता पिता को? आप लोग? हम लोग सीआईडी से। हमें भी बता दो कहाँ है वो, हम सब साथ चले चलते हैं जैस्मिन से मिलने के लिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, मुझे कैसे पता होगा कि जैस्मिन कहाँ है? झूठ, हमें सब कुछ पता चल चुका है, समझे? ये सब क्या हो रहा है? सीधी तरह से बता दो कहाँ है जैस्मिन। क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ, बोलो कहाँ छुपाया उसे? बोलो। रुक जाओ, रुक जाओ सुहान, सुहान रुक जाओ। देखो अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो। देखो तुम भाग नहीं सकते। रुक जाओ ऐसे पे, सुहान तो छोड़ दो, वरना तुम्हारा ये ऑफिसर हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ देगा। और इसकी मौत के जिम्मेदार चुपचाप हो गए, चुपचाप। चुप, अगर विनीत का एक बाल भी बाका हुआ ना तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा यहाँ पे। हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं है सिपी। अगर विनीत चाहिए तो स्वयं को हमारे हवाले कर दो। सीआईडी किसी के साथ सौदा नहीं करती बल्कि फैसला सुनाती है। छोड़ दे विनीत को, छोड़ इसे। स्वाद, माय गॉड, स्वाद, विनीत ठीक हो ना तुम? सुहान आंखें खुली रखो, कम आजा, आंखें खुली रखो। देखो मेरे तरफ, सुहान बताओ जैस्मिन को कहाँ रखा है? जैस्मिन? हाँ कहाँ है जैस्मिन, बताओ बताओ। फाइन फाइन कॉटन, हाँ मिल। फाइन कॉटन मिल? फाइन कॉटन इज डेड। लेकिन सर कौन सी कॉटन मिल, शहर में तो इतने सारे कॉटन मिल्स हैं। अमित ने बताया था कि जैस्मिन को उसने गुलाबा में छोड़ा। गुलाबा में एक मिल है, एक कॉटन मिल जो बंद पड़ी है, वही हो सकती है। तुम यहीं पर रुको, मैं वहां चलता हूं। अभिजीत को बताओ, अभिजीत को इन्फॉर्म करो। सर इस इलाके में तो यही एक मिल है, लगता है ये मिल बंद है। और अगर ये मिल बंद है तो फिर जैस्मिन को भी यहीं पर रखा होगा। तो रैन किसकी हो सकती है, चलकर देखना पड़ेगा। अभिजीत को बताता हूं। अरे नेटवर्क ही नहीं, फिर अभिजीत को बताऊं कैसे? अंदर जाके देखना पड़ेगा।
एक बार ये गुंडे हाथ में आ जाए तो प्रिया का भी पता चल जाएगा। एसीबी साहब को फोन कर देता हूं। राका और इसको चला। एसीपी साहब का फोन नहीं लग रहा है। राका और इसको चला। कुछ भी हो हमें शहरी वाले के हाथ में नहीं आ रहा। राका चल। हाँ मगर फोन मुझे। अरे तू ठीक तो है राका? पता नहीं यार मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये गुंडे पागल हो गए क्या? कैसे गाड़ी चला रहे हैं? चक्कर से आ रहा है यार। मुझे भी चक्कर आ रहा है यार। कहीं वो पिया मेरा भले भी तो अपना शिकार। ये तो मर चुका है। ये भी मर चुका है। ये भी मर गया? डेड। नो अचानक इतनी जल्दी कैसे मर गए? एक्सीडेंट तो इतना बड़ा दिख नहीं रहा है। अभिजीत ये देखो। कौन? My God, क्या नहीं थे? इन तीनों को जहर से मारा गया। पर ये सब किया किसने होगा और क्यों? क्योंकि उसे मालूम था अगर ये तीनों पकड़े गए तो सीआईडी उन तक पहुंच जाएगी। मगर सीआईडी की हर चाल के बारे में उसे पता कैसे चल रहा है? है कौन ये आदमी? एसीपी साहब की गाड़ी? सर कहाँ? उनका फोन अभी भी लग नहीं रहा। सर वो किसी मुसीबत में है। सर हमने आपको बहुत ढूंढा सर वहां पे, मगर आप कहीं मिले ही नहीं। सर हमें लगा कि तुम्हें लगा कि मैं भी ब्लास्ट में मर गया है? हाँ सर, इतना बड़ा ब्लास्ट था सर, लाशें पड़ी थी हर तरफ, सब जगह धुआं और राख थी, लाशें पहचान में नहीं आ रही थी सर। सर हमने एक एक लाश को पलट पलट के देखा कि कहीं। सर अगर आपको कुछ हो जाता तो हम कहीं के नहीं रहते सर। आपके बिना हम लोग जी नहीं सकते सर। सर हमारी भी जिंदगी बेकार हो जाती। मैं तो वहीं पर था, बस थोड़ा सा दूर था इसलिए तो बच गया मैं। मगर सर आप हमें मिले कैसे? नहीं ब्लास्ट के बाद आप कहां चले गए थे? तुमने देखा ना कितना जबरदस्त ब्लास्ट था वो। अरे वो ब्लास्ट का भपका मेरी तरफ आया और वो गरम गरम आग जैसे चिपक गई मेरे से, मेरा दिमाग ही घूम गया, मेरे सूट के तो चिंदे चिंदे हो गए। सर हमें तो ये भी लगा था कि आप ब्लास्ट में घायल हो गए और उन गुंडे लोगों ने आपको किडनैप कर लिया है। अभिजीत इतने लोग मरे, उनके साथ कोई गुंडे भी तो थे। बेहोशी की हालत में मैं जैसे उनके तरफ बढ़ा और
चित्रोले साहब आप यहां? सीआईडी की इज्जत मिट्टी में मिल जाए और डीसीपी चित्रोले पतंग उड़ाता रहे। ठीक है सर, प्लीज आप जब भी ब्यूरो में आते हैं कुछ ना कुछ आग लगा के निकल जाते हैं। है? सीआईडी की इज्जत के लिए हम लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी है सर। जान की बाजी, अपनी जान बचा लो दूसरों के गई फाड़ में। देखिए सर, ये बहुत गलत बात है। तुम तीनों वहीं पे थे जहां पे ब्लास्ट हुआ, थे ना? हाँ थे। वहां पे जितने भी लोग थे उनमें से 12 की लाशें मिली है, पर बाकी 3 की हालत ऐसी है कि अब मरे और तब मरे। ओ। बदमाश तो सारे मर गए, मगर ये सीआईडी ऑफिसर्स कैसे बच गए? आप क्या चाहते हैं? हमारी भी लाशें वहां पड़ी होती। मैंने पूछा ब्लास्ट में वो लोग तो मर गए, मगर तुम लोग जिंदा कैसे बच गए? मतलब हमारी मौत होती तो आपके दिल को ठंडक पहुंचती। जान की बाजी लगाई थी ना तुमने? हाँ लगाई थी, मगर हमारे वहां पहुंचते ही ब्लास्ट हो गया था। ब्लास्ट तो हुआ, मगर ब्लास्ट में असल में क्या हुआ वो देखो। वहां पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था बहुत दूर, ना तो आप लोगों को मालूम था ना उन्हें। बदमाशों की मौत कैसे हुई और एसीपी साहब कैसे बचे वो देखो। शर्म से निगाहें झुक गई ना, सिर उठा के चलने के काबिल नहीं रहे तुम लोग। एक एक कोना ढूंढ लो और सिर छुपा दो उसके अंदर। कल से नकाब पहन के घूमना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग सीआईडी ऑफिसर्स हो। सर क्या है ये? तुम नहीं समझोगे अभिजीत, तुम नहीं समझोगे। तो समझाओ ना, तुम्हारे हाथ पे गन थी और बदमाश जैस्मिन को गोली मारने वाले थे, तो उसको बचाने के बजाय वहां से निकल लिए। तो क्या 15-20 लोगों को गोली मारता मैं? हाँ, कम से कम इज्जत तो बच जाती। लड़की को गोली मार दी उन्होंने और एसीपी प्रदुमन वहां से भाग निकला। ये गलत है सर। एसीपी साहब पर इल्जाम लगाने से पहले 2 बार सोच लीजिए सर। 25 बार मैंने इस वीडियो को चला के देखा है और जितनी बार देखता हूं यही दिखाई देता है कि जब बहादुरी दिखाने का वक्त आया तो एसीपी प्रद्युमन वहां से ऐसा भागा जैसे कुत्ता दुम दबा के भागता है। चित्रोले! सिर्फ एक ही जवाब चाहिए, बस क्यों भागा? केस अभी तक पूरा नहीं हुआ है सर, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। अगर सबको पता चल गया तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। बड़ी साजिश है तो बताते क्यों नहीं हो? हम सब सीआईडी ऑफिसर्स हैं, हमसे कैसा पर्दा? पर्दा है सर, पर्दा है। हर एक को नहीं बताया जा सकता। हमें भी नहीं सर। नहीं अभी नहीं अभिजीत। ये जो इतना बड़ा इंद्रजाल तुमने अपने आसपास बना के रखा था ना एसीपी प्रद्युमन, वो टूट गया है। इस वीडियो से पता चल गया है कि तुम्हारी बहादुरी सिर्फ इन ऑफिसर्स की वजह से है। जैसे तुम अकेले पड़े निकल भागे, तुम्हें सीआईडी छोड़नी पड़ेगी। रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा। आई वॉन्ट योर रेजिग्नेशन। सर ये आप क्या कह रहे हैं? 24 घंटे, बस 24 घंटे देता हूं, डिसाइड कर लो अपने आप जाना है इज्जत से या जूते खा के। चित्रोले, चित्रोले। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।